दोस्तों, आई एम नीरज तिवारी फ्रॉम तिवारी कोचिंग क्लासेस। एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में आज मैं पार्ट फोर्थ पर एक्सप्लेन करूंगा। और पार्ट फोर्थ जो चलेगा वो सब्जेक्ट के विषय में चलेगा, सब्जेक्ट के फॉर्म के विषय में चलेगा, सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के विषय में चलेगा। हम बात क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी पैक्टमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। और मैंने बताया अकॉर्डिंग टू जॉन नेस्फील्ड, वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स नंबर विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो वर्ब हमेशा वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन अकॉर्डिंग होता है। तो समस्या क्या हो रही है, समस्या ये हो रही है कि सब्जेक्ट कभी कभी एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। सब्जेक्ट जो है वाक्य का सब्जेक्ट कभी कभी एक से अधिक संज्ञाएं, दो से अधिक संज्ञाएं, दो तीन चार नाउन मिलकर के, दो तीन चार प्रोनाउन मिलकर के सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारे पास सब्जेक्ट में आए हुए संज्ञाओं का जो नंबर होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो वर्ब का नंबर हम कैसे डिसाइड करें, किस संज्ञा के ऊपर, किस संज्ञा के नंबर से उसके नंबर को हम लिखें, ये क्वेश्चन हमारा है और उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट फोर्थ में भी आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। पार्ट थर्ड तक मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट अपोजिशन, पार्ट थर्ड मैंने लास्ट बताया था, जब सब्जेक्ट कभी कभी इस तरह के भी होते हैं, सब्जेक्ट के बाद एक नाउन आता है जो सब्जेक्ट का अपोजिशन होता है, लेकिन जो वर्ब होता है उस अपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उस अपोजिशन के पूर्व पद के अकॉर्डिंग हम वर्ब के फॉर्म को डिसाइड करते हैं। आज भी हम उसी पर चर्चा करेंगे। कभी कभी क्या है, इनसेपरेबल एंड वर्ब, इनसेपरेबल नाउन्स क्या होते हैं, इनसेपरेबल नाउन्स किसे कहते हैं। इनसेपरेबल नाउन्स का मतलब अभिन्न संज्ञाएं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो अभिन्न होती हैं, अर्थात जिनको हम अलग नहीं कर सकते, जो हमेशा पेयर में होती हैं। अगर सब्जेक्ट इन संज्ञाओं के लिए, इन संज्ञाओं के रूप में आया हुआ हो, ये संज्ञाएं सब्जेक्ट के रूप में आई हो, तो वर्ब का फॉर्म क्या होगा। सीधी सी बात है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इनसेपरेबल हो, इनसेपरेबल नाउन्स हो, तो जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। इनसेपरेबल नाउन्स को मैंने डिफाइन कर दिया है कि ऐसी संज्ञाएं जो हमेशा पेयर में रहते हैं, अर्थात जिनको हम अलग ना कर सके, जिनको हम अलग ना कर सके। बहुत सारी ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के फॉर्म में आया हुआ तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल निसंदेह होता है, क्योंकि पेयर में रहते ही हैं और किसी एक नाउन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी एक नाउन के लिए यूज किया जाता है। इनमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे सीजर्स हुआ, सीजर्स हुआ, सीजर्स हुआ, ट्राउजर्स हो गए, ऐसी संज्ञाएं इनसेपरेबल्स नाउन कहे जाते हैं। तो सीजर्स में आप देखें कैची, आपने देखा होगा उसमें भी दो पार्ट है। ट्राउजर्स सीजर्स मानी सर सी, वो भी आपने देखा उसमें भी दो पार्ट्स है। ट्राउजर्स भी आपने देखा दो पार्ट्स है। तो दो पार्ट्स मिलकर एक वस्तु को, एक वस्तु के लिए जुट के जाते हैं, एक वस्तु को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक वस्तु को बनाते हैं। लेकिन वह दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए दो है तो वह क्या हुआ, प्लूरल होगा। जैसे ट्राउजर्स हैव बीन बॉट, ट्राउजर्स हैव बीन बॉट फॉर अस, फॉर अस या फॉर मी। तो आपने यहां क्या देखा, ट्राउजर्स सब्जेक्ट है तो हमने क्या लगाया, इनसेपरेबल नाउन से, तो वर्ब क्या लगाया, प्लूरल लगाया, वर्ब क्या लगाया, प्लूरल लगाया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या है वो, कि यदि मैं नोट में लिख दे रहा हूं, जैसे आप कभी कभी इन इनसेपरेबल नाउन्स के पहले एक पेयर आ पाता है, एक पेयर,
यदि इनके पहले एक पेयर आप आ गया, तब ये दो हैं, दो पार्ट हैं, लेकिन एक हो जाते हैं। एक पेयर आप आने से ये एक हो जाते हैं, एक जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तब ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट का वर्ब जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर नंबर का होगा। क्या होगा? सिंगुलर नंबर का होगा। जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज बीन माय सीजर्स आर सा, माय सीजर्स आर सा। ए पेयर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अब यहां सीजर्स आपका यहां प्लूरल, लेकिन एक पेयर ऑफ हमने लगा है, एक पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन, एक पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन बार। तो यहां आपने क्या देखा? सीजर्स के पहले हमने क्या लगाया? एक पेयर ऑफ लगाया, तो वर्ब हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। यहां आपका सीजर्स था, वर्ब क्या था? प्लूरल हो गया। सेंटेंस आपका दोनों क्या है? करेक्ट। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि यदि सब्जेक्ट कोई इनसेपरेबल नाउन हो तो वर्ब प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन यदि उस इनसेपरेबल नाउन के पहले कोई एक पेयर ऑफ जुड़ा हुआ, एक पेयर ऑफ आ गया, लगा हुआ, तो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो आपने जाना कि सब्जेक्ट का जो फंक्शन होता है, सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत डिफरेंट होते हैं। और उनके अकॉर्डिंग उनको जब तक डीप स्टडी हम नहीं करेंगे, गहराई से पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम वर्ब के पार्ट को डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ संज्ञाएं एक ही सेंटेंस में दो बार आ जाते हैं और प्रेपोजिशन से जुड़े होते हैं। कभी कभी आपने देखा नाउन सिंगुलर, फिर आपका प्रीपोजिशन, फिर आपका नाउन सिंगुलर, और यही नाउन आपका है सेम। इसी नाउन को हम क्या कर रहे हैं? रिपीट कर, दोहरा देते हैं, इसी नाम को दोहरा देते। कभी कभी इस तरह से सब्जेक्ट आ पाता है, कभी कभी इस तरह से आपके वाक्य का सब्जेक्ट होता है, इसी नाम को हमारा दोहरा देते हैं, प्रीपोजिशन जुड़ा होता है। ऐसे कंडीशन में इनका वर्ब क्या होता है ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों के ऐसे बनावट को, यानी सब्जेक्ट किस तरह से, शब्दों के ऐसे बनावट को हम हाइफनेटेड एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम हाइफनेटेड एक्सप्रेशन नहीं कह सकते हैं, हाइफनेटेड एक्सप्रेशन। सब्जेक्ट आपका क्या है? ये हाइफनेटेड एक्सप्रेशन है। एक ही नाम को जब दो बार दोहराया जाए और प्रीपोजिशन से संबंधित, प्रीपोजिशन से रिलेटेड कर दिया गया, कोई सिंगुलर संज्ञा के बाद प्रीपोजिशन और फिर उसी संज्ञा को लिख दिया जाए, शब्दों का जो ये बनावट है उसको हम हाइफनेटेड एक्सप्रेशन कहते हैं। हाइफन से न जुड़ा होकर के बल्कि प्रीपोजिशन से जुड़ना था। तो अगर इस तरह से आपका सब्जेक्ट है, वाक्य का सब्जेक्ट इस तरह से है, तो वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर नंबर का होता है। क्या होता है? सिंगुलर नंबर का होता है। जैसे डे बाई डे, अब यहां डे बाई डे आपने देखा, बाई प्रीपोजिशन है, डे फोकसिंग नाउन को दोहरा दिया गया, ये सिंगुलर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर आपका वही सिंगुलर नाउन, यहां रिपीट हमने किया, दो बार ले दिया, यही ये आपका सब्जेक्ट है और इसको हम हाइफनेटेड एक्सप्रेशन कहते हैं। डे बाय डे इज रोलिंग ऑन, बीतता जा रहा है, सिर्फ
शिप आफ्टर शिप अर्थात शिप 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 आपने देखा। और शिप आपका क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है शिप। और हिप प्रीपोजिशन उसके बाद में से शिप दोहरा दिया गया। ये भी हाइब्रिड एक्सप्रेशन में आया हो सब्जेक्ट, यहां भी आना और क्या होगा सिप आफ्टर सिप इज सेम बाय हो गया। तो आपने यहां क्या देखा, यहां जो सब्जेक्ट है हाइब्रिड एक्सप्रेशन में आया हुआ है, एक ही संज्ञा को जो सिंगुलर है डी पोजिशन के बाद फिर उसी संज्ञा को नहीं देते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में इस तरह के भी फंक्शन आ जाते हैं, इस तरह के भी वर्ड ऑर्डर में सब्जेक्ट आपका रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी वर्ब आपका क्या हुआ सिंगुलर नंबर का ही होता है। कुछ सब्जेक्ट आपके इस फॉर्मूले के रहते हैं, कभी कभी आपने देखा नाउन इक्विवेलेंस, नाउन इक्विवेलेंस आपका सब्जेक्ट होता है। इसके लिए जो वर्ब होगा वो क्या होगा, पहले बात करते हैं नाउन इक्विवेलेंस क्या है। नाउन इक्विवेलेंस का मतलब दैट इज इक्वल टू नाउन, जो संज्ञा के समान। सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनना हो, किसी भी वर्ड को यदि वाक्य का सब्जेक्ट बनना हो या बनाना हो, तो सबसे पहले उस वर्ड को हमें नाउन में कन्वर्ट करना पड़ता है, नाउन या प्रोनाउन में। भाई प्रोनाउन इज जस्ट लाइक अ नाउन। तो कहा कि नाउन में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उस वर्ड, और जब वो वर्ड नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो नाउन इक्विवेलेंट हो जाते हैं, नाउन की इक्वल में जो। तो ऐसे कौन कौन से फॉर्म वाले वर्ड नाउन इक्विवेलेंट हो सकते हैं? अगर वो सब्जेक्ट में आते हैं तो वर्ब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। नाउन इक्विवेलेंट्स को क्या क्या हो सकते हैं? नाउन इक्विवेलेंट्स में इन्फिनिटिव आ सकता है। इन्फिनिटिव आप जानते हैं टू प्लस वी वन, क्रिया के मूल रूप के पहले टू लगा देते हैं तो आपका इन्फिनिटिव का फॉर्म बन जाता है। जीरन वी वन प्लस आई एन जी, यदि आपका है इस फार्मूले में, लेकिन ये सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, सब्जेक्ट के स्थान पर यदि का प्रयोग हो, क्लास कोई हो या कोई फ्रेज हो, क्लास फ्रेज मैंने आपको बताया है। तो ये नाउन इक्विवेलेंट्स है, ये नाउन इक्विवेलेंट्स है सब्जेक्ट के लिए। यदि सब्जेक्ट के फंक्शन में इनका प्रयोग किया गया, सब्जेक्ट के स्थान पर यदि कोई इन्फिनिटिव हो, कोई जिरंड हो, कोई क्लाज हो, कोई फ्रेज, तो हम वर्ब का फॉर्म क्या लगाएंगे, वर्ब किस नंबर का होगा, यही हमें पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट्स हो तो वर्ब हमेशा क्या होता है सिंगुलर नंबर का, क्या होता है सिंगुलर नंबर का होता है। आपने देखा यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट्स हो तो उस सेंटेंस का वर्ब जो होता है हर फार्मूले में क्या होता है प्लूरल सिंगुलर नंबर का होता है, प्लूरल नहीं होता है। जैसे आपने कहा to walk is good for health, अब यहां पर टू वॉक क्या है, यहां पर क्या है टू प्लस वॉक इन्फिनिटिव हो, वर्ब क्या लगाया हमने इज लगाया सिंगुलर है, चाहे आप इसको वॉकिंग भी कर सकते हो, वॉकिंग, अब वॉकिंग भी आपका क्या जिरंड है, इसके लिए भी सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे वर्ब सिंगुलर, वॉकिंग इज गुड फॉर है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। What is to do? How to do? ऐसे भी तो how to do?
इज नॉट नोन, इज नॉट नोन टू। अब हाउ टू डू क्या है, फ्रेज है। अब यहां पर क्या लगाया, क्या लगाया, ये सिंगुलर फ्रेज के लिए भी सिंगुलर, दैट ही इज एन ऑनेस्ट। क्यों है, कि मान रही क्या है आपका क्लास है, दैट ही इज एन ऑनेस्ट इज नोन टू आर। अब आपने यहां क्या देखा, यहां भी वर्ब क्या है सिंगुलर है, यहां भी वर्ब क्या है सिंगुलर है। ये आपका टू आर इन्फिनिटिव वॉकिंग जिनन हाउ टू डू फ्रेज दैट इज एन ऑनेस्ट। ये क्या है, ये सब क्लास है, और ये सब का प्रयोग किसके लिए हुआ गया है, वाक्य में सब्जेक्ट के लिए हुआ है, सब्जेक्ट के लिए हुआ, इसलिए सेंटेंस का जो वर्ब है वो क्या है सिंगुलर नाउन, क्या है सिंगुलर नाउन। ध्यान दीजिए, कभी कभी एक ही सब्जेक्ट के लिए दो क्लास का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि कोई क्लास हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन अगर इस तरह का हो कोई क्लास एंड फिर क्लास, तो वर्ब आपका क्या होगा सिंगुलर होगा, नहीं वर्ब क्या होगा ऐसे कंडीशन में वर्ब प्लूरल होगा, क्या होगा प्लूरल। क्लास यदि दो एंड से क्या हो जुड़ा हुआ तो वर्ब क्या होगा प्लूरल होगा, क्या होगा वर्ब प्लूरल होगा। जैसे वेयर ही लिव्स एंड वॉट इज बुक। अब यहां आपने क्या देखा, वेयर ही लिव्स वॉट ही इज बुक। अब यहां दो क्लास एंड जुड़े हुए आर नॉट, अब यहां आर और जो भी वर्ब आपका होगा क्या होगा यहां प्लूरल होगा, क्या होगा प्लूरल होगा, क्यों क्योंकि ये दो डिफरेंट क्लास एंड से क्या है संयुक्त है जुड़े हुए। तो मैंने आपको बताया था यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन इक्विलेंट हो, और नाउन इक्विलेंट को मैंने एक्सप्लेन किया डिफाइन किया, नाउन इक्विलेंट मींस द वर्ड दैट वर्क्स जस्ट लाइक अ नाउन, दैट इज इक्वल टू नाउन, इसका नाउन इक्विलेंट अर्थात वह संज्ञा जो, वह शब्द जो संज्ञा के समान, जो संज्ञा के बराबर, जो संज्ञा के समान कार्य करता हो सेंटेंस में, उसे क्या कहते हैं नाउन इक्विलेंट कहते हैं। और यदि नाउन इक्विलेंट आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो हमेशा वर्ब क्या होता है सिंगुलर होता है, लेकिन यदि दो क्लाज एंड से क्लाज भी नाउन इक्विलेंट कभी कभी वर्क करता है, क्लाज भी नाउन इक्विलेंट वर्क करता है, जैसे मैंने आपको दिखाया सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है। अब यहां भी क्लास माने तो सेंटेंस होता है, आपको पता है क्लास, मैंने बताया था क्लास इज जस्ट लाइक अ सेंटेंस, लेकिन यहां क्लास एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, आप गलत मत सोचिएगा कि सब कह रहे हैं कि क्लास आपका सब्जेक्ट है, क्लास एक संज्ञा है, क्लास जब सब्जेक्ट रहता है तो संज्ञा हो जाता है, उस संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। ऐसे कंडीशन में यदि सिंगल क्लास आपका है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि एक ही सब्जेक्ट में दो क्लास का प्रयोग किया गया हो, दोनों एंड से संयुक्त हो, तो क्या होंगे प्लूरल वर्ब होंगे, मैंने एग्जांपल भी आपको देके बता दिया है। तो आपने क्या देखा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है, और उसी स्ट्रक्चर को रीड करने के बाद ही हम उसके वर्ब के नंबर को समझ पाते हैं कि वर्ब का नंबर क्या होगा, वर्ब के नंबर को डिफाइन कर पाते हैं कि वर्ब का नंबर सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। कुछ सब्जेक्ट इस तरह से होते हैं, कुछ सब्जेक्ट आप इस तरह से देखिएगा, दी प्लस एडजेक्टिव, अगर इस तरह का कोई आपका सब्जेक्ट हो, कोई विशेषण वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा, उसके पहले आर्टिकल्स दी लगा हुआ,
तुवर का पान क्या होगा? निसंदेह जब कोई विशेषण वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आता है और उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया होता है तो पूरे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। जो एडजेक्टिव होता है वो पूरे समूह के लिए यूज किया जाता है। ऐसे कंडीशंस में वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह, ये नाउन है आपका, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग किसकी तरह हो? नाउन, नाउन की तरह हो और उससे बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो रहा हो, बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में वाक्य का वर्ग होता है प्लूरल होता है। वाक्य का वर्ग क्या होता है? प्लूरल होता है। यहां जैसे देवेश आर है, देवेश, तो आपने यहां क्या देखा? दिनिच। अब यहां दिनिच क्या है? एडजेक्टिव है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। ये रिच माने एक ही रिच की बात नहीं कर रहा, ये पूरे व्यक्ति रिच, पूरे जिसकी कम्युनिटी जितनी है उसके लिए यूज किया गया है। इसलिए वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। दीदी चार हैप्पी। द पुअर आर इनोसेंट। द पुअर आर इनोसेंट। अब यहां पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। वर्ब क्या है? प्लूरल है, क्योंकि पुअर किसी एक पर्सन के लिए नहीं आया, क्योंकि जितने भी पुअर है पूरे पुअर पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन के नहीं, पूरे पुअर कम्युनिटी के लिए यूज किया गया है पुअर। इसलिए यहां क्या होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत? आपको समझ आ रहा होगा, आप पढ़ जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के विषय में। भाई सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को सही से पढ़ेंगे तभी वर्ब को हम डिफाइन कर पाएंगे और हमारा सिंगल होगा कि प्लूरल होगा। कभी कभी सब्जेक्ट के लिए मेनी ए, इस तरह से मेनी ए अथवा एन प्लस नाउन का प्रयोग होता है। अगर इस तरह का सब्जेक्ट आपका हो तो वर्ब आपका क्या होता है? अगर इस तरह से आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होता है? वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर का होता है, सिंगुलर नंबर का होता है। यदि मेनी के बाद ए अथवा आय आया हुआ हो, उसके बाद संज्ञा भी हुई हो, ऐसे कंडीशन में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब इसलिए वर्ब, सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर नंबर का ही होगा। क्या होगा? सिंगुलर नंबर का ही होगा। जैसे मेनी मैन वॉच किंग, मेनी मैन वॉच किंग, तो आपने यहां देखा मेनी मैन वॉच किंग, मेनी मैन, मेनी के बाद ए, उसके बाद नाउन, फिर वर्ब आपका क्या लगा दिया गया? सिंगुलर। क्या लगा दिया गया? सिंगुलर। मैं सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता चला जा रहा हूं और आपको यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे कंडीशंस में अगर सब्जेक्ट इस कंडीशन का, इस स्ट्रक्चर का, तो वर्ब का नंबर क्या होगा। और हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में यही पढ़ रहे हैं। भाई एग्रीमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, एग्रीमेंट इज जस्ट लाइक अ पैक्ट, कि वर्ब कैसे समझौता किया है अपने सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता किस आधार पर हुआ है? सरल शब्दों में यही कह सकते हैं भाई वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट माने पैक्ट, समझौता। तो वर्ब का समझौता सब्जेक्ट के साथ किस आधार पर हुआ है, तो हमने शुरू में पढ़ा है और अंत तक यही प्रूव कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो यस यस पीपी के अकॉर्डिंग होगा। परेशानी कहां से आ रही है? परेशानी यहां से आ रही है कि कभी कभी सब्जेक्ट जो है एक से अधिक संज्ञाओं से, एक से अधिक प्रोनाउन से, एक से अधिक क्लास से, फ्रेज से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे कंडीशंस में वर्ब का नंबर क्या होगा, हम इसी को प्रूव कर रहे हैं, इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या देखा? आपने देखा मीनी के बाद ए अथवा एन और नाउन आया हुआ हो तो वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। यदि सेंटेंस का, यदि सेंटेंस का
सब्जेक्ट इस तरह से होगी मोर देन वन प्लस नाउन टू वर्ब क्या मोर देन वन प्लस नाउन वर्ब क्या होगा ऐसी स्थिति में भी वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब होता है क्या होता है सिंगुलर वर्ब का होता है इस तरह के सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि इस तरह से सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि इस तरह से मोर देन उसके बाद वर्ब प्लस नाउन वर्ब क्या होगा सिंगुलर वर्ब क्या होगा जैसे मोर देन वन बॉय वाज मोर देन वन बॉय वाज अपसेट मोर देन वन बॉय वाज अपसेट तो आपने क्या देखा मोर देन उसके बाद नाउ सब्जेक्ट के लिए इस स्ट्रक्चर का फॉर्म हो तो उस सेंटेंस का जो वर्ब होता है क्या होता है क्या होता है प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर का होता है किस नंबर का होता है सिंगुलर नंबर का होता है इसी रिलेट थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर का एक और सब बता सकते देखिएगा कभी कभी मोर प्लस प्लूरल नंबर मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन अब इस देखिए अगर इस स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है अगर इस स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है तो वर्ब का फार्मूला क्या होता है आपने देखा मोर देन वन उसके बाद नाउन आया हुआ था तो हमने वर्ब सिंगुलर लगाया लेकिन यदि इस तरह का है तो हम क्या करें संदेह ऐसे फॉर्म वाले ऐसे अगर इस तरह का फॉर्म है सब्जेक्ट के लिए वर्ड को इस तरह से फॉर्म किया गया सब्जेक्ट के लिए तो वर्ड क्या होता है प्लूरल इस नंबर का होता है जैसे मोर बुक्स देन वन हैव बीन बॉट हैव बीन बॉट तो आपने क्या देखा मोर बुक्स देन वन हैव बीन बॉट अर्थात एक से अधिक किताबें जो है खरीदी गई तो एक से अधिक मोर देन वन है तो सीधी सी बात है वर्ब क्या होगा वर्ब क्या होगा प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के पार्ट फोर्थ में आज बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको बताए गए आपको बताया गया कि यदि सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर इस फॉर्म का हो जो आज की वीडियो में बताए गए तो वर्ब का नंबर क्या होगा आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा पार्ट फिफ्थ में फिर से सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे बहुत ज्यादा कुछ आपको एक पार्ट में नहीं बता रहा हूं जिससे कि आप आसानी से पढ़ सके उसका प्रैक्टिस कर सके क्योंकि ये ग्रामर या कोई भी सब्जेक्ट हो वो प्रैक्टिस पर ज्यादा डिपेंड करता है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आता चला जाएगा तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है इसको अच्छे से पढ़िएगा नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको मिलेंगे थैंक